भाई लोगों, आज फिर से वो आई थी। मुझे पता चला है कि उसके बाल बहुत बड़े बड़े हैं और उसके हाथ भी बहुत बड़े बड़े हैं। उसके नाखून, उसकी आंखें, सब मुझे आज पता चल गया भाई लोग। इसीलिए कहता हूँ रात में बाहर मत निकलना भाई। वो मन में सोचने लगे, भाई सच में वो इतनी डरावनी है? क्या तुम्हें पता है? सच में तुमने देखा है उसको? बस एक बार बता दो भाई कि ये सच है। वे तीनों सोचने लग गए और कहने लग गए, हम उससे कैसे बचे? क्या करे? कोई उपाय भी नहीं यार, क्या करे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तो उसमें से एक बोलने लगा, चलो जाते हैं अब, कोई इलाज नहीं, कोई उपाय नहीं, चलो भाई लोग सब घर में चल जाते हैं। वे तीनों अपने घर चले गए और उनके पत्नी लोग भी यही बात, आज मेरे पति ने उसको देखा है। तो उसमें से वो कहने लगी, हाँ सच में, चलो हम भी अपने अपने घरों को चल जाते हैं, और वरना वो हमें मार देगी। इधर पूरे गांव में चर्चा फैल गई थी कि इसमें कोई आत्मा है। वो लोग सब सोचने लग गए कि अरे यार, इससे छुटकारा कैसे पाए। तो ये कहने लगा, अरे भाई मुझे एक तांत्रिक पता है, उसको क्या बुला के लाओ। अब हमारी परेशानी सिर्फ वो तांत्रिक ही दूर कर सकता है। हाँ भाई उसको ला, अगर भाई वो नहीं हटा पाया तो यहाँ से उसको, वो तो हमें मार ही डालेगी। उतने में वो आ ही जाती है और कहने लगती है, आप तुम सब मरोगे। ये संदेश दे के वो वहाँ से चले जाती है। उतने में उससे भाग कर एक गाँव वाला आता है और कहता है, भाई अपने अपनी अपनी जान बचा के भाग जाओ यहाँ से, कुछ उपाय नहीं। हाँ भाई सच कह रहे हो तुम, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। वो सब चिंता में होके सोचने लगे। उस लड़की ने कहा फिर, अरे भाई भागने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हमें उस